नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंघुम इकाई की एक बैठक जिला कार्यालय में रविवार को संपन्न हुई, जहां पार्टी के प्रदेश कमेटी के नेता राजेंद्र यादव शामिल हुए। उनके द्वारा पार्टी के मजबूतीकरण को लेकर कई दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दी गई। बता दें कि आगामी चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से पार्टी को मजबूत करने में जुटा हुआ है। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस बैठक में खासकर सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने को लेकर जोर दिया गया है। पार्टी के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व झारखंड राज्य के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इस बैठक में पार्टी को बूथ से लेकर जिला स्तर तक कई मजबूत बनाया जाए और इस पर चर्चा की गई है। आप ले भी लीजिए, ब्रांच का शेयर लीजिए, लोकल कमेटी का शेयर लीजिए, जिला का शेयर लीजिए, राज्य का शेयर दीजिए, तो ये जो प्रक्रिया घट गया है उसको करना चाहिए। और उसके प्रति पार्टी चलती है आपके पैसे से। आप यदि पैसा नहीं देंगे तो अंचल भी निष्क्रिय, आपका जिला भी थोड़ा आसानी से टेक्नोलॉजी के रेस में हम भी पार्टी को उस रेस में रखें। टेक्निकली हमारा साउंड ऑफिस हो, बेल इक्विप्ड हो, हमारे हैंड्स हो, वो भी बेल इक्विप्ड हो, और तब जैसे चले कि हमारे पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, जिसके चलते हम चाह के भी नहीं कर रहे हैं, राजनीति में पैसा नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हुआ कि लेवी के लिए साथियों को कहिए कि लेवी बढ़ा दें, लेवी वही पुराना। ये कम्युनिस्ट पार्टी सिंहभूम जिला परिषद की बैठक आज साक्षी के प्रधान कार्यालय में चल रहा है। सबसे मेन है हमारा कि जिले के अंदर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए और इसके लिए सघन सदस्यता अभियान पूरे जिला में चलाया जा रहा है। हमारे पर्यवेक्षक के रूप में आज राजेंद्र यादव जी राज्य के नेता हमारे आए हुए हैं और बैठक में तय किया जा रहा है कि सभी प्रखंडों में, सभी शाखाओं में जा कर के, सभी क्षेत्रीय कार्यालय में जा कर के नवीकरण को पहली प्राथमिकता देते हुए उसे पूरा किया जाए और बहुत जल्द कम्युनिस्ट पार्टी को पुनः अपने अस्तित्व में लाने के लिए जो संघर्ष की जरूरत है उसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, क्या उसकी भी तैयारी है? क्या ये राज्य और केंद्रीय पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें मिलेगा हम लोग उस पर अपना कार्यक्रम करेंगे। अभी इस तरह के कार्यक्रम राज्य नेतृत्व में है कि कहाँ कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है, जैसा दिशा निर्देश आएगा उसको हम लोग तय करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।